Good evening friends, welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn activities of 1.1 Be the Best 8th Class English. 8th Class English की activities करने जा रहे हैं. अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपका सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है. चलिए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी है चिट चैट. हैव यू गॉट अ प्राइज़ इन एनी कॉम्पिटिशन, यानी कि आपको किसी कॉम्पिटिशन में, किसी मुकाबले में इनाम मिला है. येस आई हैव गॉट अ प्राइज़ इन अ ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन, या ऐसे कॉम्पिटिशन, साइंस एग्जीबिशन, ऐसे कोई कॉम्पिटिशन का आप नाम ले सकते हैं. हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम, आपको ऐसे टाइम में क्या महसूस हुआ, आप उस वक्त आपको कैसा लगा था. आई फेल्ट वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, मुझे उस टाइम बहुत खुशी महसूस हुई थी. ये सारी एक्टिविटी आपको लिखना है, अपने खुद से अपने बुक में लिखना है. हैव यू एवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स, कभी आप अपने कोशिशों में नाकाम हो गए क्या. यस आई डिड फॉल ऑन सम ओकेशंस इन स्पाइट ऑफ माई एफर्ट्स, कई मरतबा मैं मेरी कोशिशों के बावजूद नाकाम रहा. डू यू थिंक वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर, क्या तुमको लगता है कि आप के कामयाबी और नाकामी दोनों को कबूल करना चाहिए. बिल्कुल, यस श्योर, यस आई डिड फील, यस डेफिनेटली वी शुड एक्सेप्ट सक्सेस एज वेल एज फेलियर विद द सेम स्पिरिट. व्हाट विल बी योर रिएक्शंस इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम, आपका क्या रद्दअमल होगा अगर आपको किसी टीम में नहीं चुना गया, कैसा लगता है. आई विल फील सैड एंड डिजेक्टेड इफ़ आई एम नॉट सेलेक्टेड इन अ टीम, बट आई विल ट्राई टू फाइंड द रीजन्स ऑफ इट एंड वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव माई सेल्फ. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं. यहाँ पर दो ग्रुप बनाना है, नीचे बिग साइज बिगर वंस में और बिग सर्कल विद द स्मॉलर वंस इन द सेमी स्मॉल सर्कल. अब यहाँ पर क्या है, बिग साइज बिगर वंस इन द बिग सर्कल, कुछ नेम्स है, कुछ वर्ड्स है, वो आपको इसमें पुट डाउन करना है, लिखना है और उसे कंप्लीट करना है. ये एक्टिविटी कैसी है, इंग्लिश वर्कशॉप की पहली एक्टिविटी है A1 नंबर की. चलिए शुरुआत करते हैं. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि मस्की है, ट्री है, पाइन, लेक, बास, बुश, हाईवे, स्क्रब, रिल, सन, स्टार, ट्रेल. तो ये सारे वर्ड्स को क्या करना है, आपको आपको इसको लिखना है और इसको छोटे और बड़े चीज़ों को आपने अलग अलग सर्कल में लिखना है. पहले चीज़ें देखते हैं, मस्की, ट्री, पाइन, लेक, बास, ब्रश, बश, सॉरी बुश, हाईवे, स्क्रब, रिल, सन, स्टार, ट्रेल. अब देखिए पाइन जो है ये बड़ा ट्री है और बुशेस यानी छोटी झाड़ी को कहते हैं, तो इसी तरीके के वर्ड यूज़ करना है. तो छोटे स्मॉल में क्या आएगा, स्क्रब आएगा, रिल, बुश, बेस, बास, स्टार और ट्रेल. और बड़े इसमें क्या आएगा, जबकि स्क्रब घास को कहते हैं, छोटी घास के टुकड़े, तो पाइन दरख्त है, झाड़ है. सन यानी सूरज है. हाईवे बड़ा हाईवे है, बड़ा सड़क है. लेक यानी बड़ा तालाब है. ट्री यानी दरख्त है, झाड़ है. और मस्की, तो इस टाइप के ये वर्ड्स है, इसे आपको अलग अलग करना चाहिए. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें आपको जोड़ियाँ लगाना है, मैच द कॉलम करना है. अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, यानी पाइन कहाँ है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल. अ स्क्रब इन द वैली, स्क्रब कहाँ पर है, वैली में है. अ बास कहाँ पर है, इन द लेक. द बेस्ट स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल. नेक्स्ट, अब ये ट्रू फॉल्स के सेंटेंसेस है, ट्रू है या फॉल्स है हमें लिखना है. अ बिट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर, बिल्कुल ट्रू, इसका आंसर ट्रू रहेगा, आंसर डायरेक्टली दिए हुए हैं. स्क्रब इज़ फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल, फॉल्स, टॉप ऑफ द हिल पर तो पाइन है, स्क्रब वैली में है. द लीवलेस्ट बास इज फाउंड इन द वैली, रॉन्ग. इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम बिग वी वुड बी द बेस्ट, अगर हम बड़े से शुरुआत करेंगे तो हम बेहतर बनेंगे, गलत. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग, वॉट डू पीपल लाइक टू सी अलॉन्ग द हाईवे, लोग हाईवे पर क्या देखना पसंद करते हैं. अलॉन्ग द हाईवे पीपल लाइक टू सी नैरो पाथ्स.
What is the message given at the end? यानी इस poem में कौन सा message दिया गया है in the end? The message given at the end is be the best of whatever you are. अब यहाँ पर ये poetic devices की एक activity है, यानी pair of rhyming words बनाना है. तो crew, do, here, near, trail, fail, star, are. तो ये pair of rhyming words है. अब देखिए यहाँ पर फिर से दी गई है हिल, रिल, बी, ट्री, ग्रास, बास, मेक, लेक. ये भी क्या है? पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है. चलिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाइन ट्री एंड अ स्क्रब. एक सनोबर के दरख्त और घास के पत्ते में क्या फ़र्क है? अ पाइन ट्री इज़ टॉल वेयर एज अ स्क्रब इज़ अ स्मॉल शॉर्ट प्लांट. अभी एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देखेंगे हम. एप्रिसिएशन द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी पोएम का नाम क्या है? Be the best. The poem is written by, यानी poem किसने लिखा है? Douglas Mallock ने लिखा है. The poem has 4 stanzas. Each stanza has 4 lines. The lines that rhyme in each stanza are first and second, third and fourth. जो rhyme करते हैं, यानी जिसमें rhyming words हैं, first stanza. The poet compares big things with small things. If you can't be is a repeated expression in the poem. यानी इसमें रिपीटेशन की जो एक्सप्रेशन है वो कौन सी है? इफ़ यू कांट बी. द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज़ द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर. द बेस्ट लाइन कौन सी है? आई शैल ऑलवेज रिमेंबर बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर. सो अगर हमारा वीडियो लाइक पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय.